पहले कर्नाटक में बीजेपी की जीत का दावा, फिर मंदिर में मत्था टेक कर भगवान से मांगा आशीर्वाद। नतीजों से पहले कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है, और ऐसा कैसे होगा, कैसे एग्जिट पोल का दावा उल्टा पड़ेगा, ये भी उन्होंने बताया। All the exit polls predicted that Yogi will not come back, but he came back. Similarly in Karnataka, last time they predicted only 80 seats for BJP and 107 to Congress. It came reverse. 80 was given to Congress and 104 was given to BJP. So all these things happen because exit poll is for that moment where they ask. It's a very small sample. However, we are confident at our ground level reports that will come with comfortable majority. बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इसका पता तो 13 मई को नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए जी मीडिया।